हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। ये एक्चुअली एग्ज़ाम हुआ है आपका जम्मू एंड कश्मीर का, जे के पब्लिक सर्विस कमीशन 2024 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है फॉर द लेक्चरर पोस्ट। लेक्चरर कैटेगरी वन पोस्ट में अभी आपका सिविल इंजीनियरिंग का पेपर है, सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। एंड पेपर के अंदर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मोस्टली हम सभी क्वेश्चन के आंसर को फटाफट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया गया था 15th of September को, ठीक है, थोड़ा सा लेट पेपर मेरे को मिला है। 15th September 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है, इसके आंसर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट प्रिंसिपल ऑफ स्टोन मेसनरी एम्फसाइजेस द यूज ऑफ स्टोन ऑफ अ वेरिंग साइज एंड शेप्स टू क्रिएट अ स्टेबल एंड विजुअली अपीलिंग स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका, एक सेकेंड, हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा रूबल मशीनरी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2, सीक्वेंस द स्टेप्स फॉर कंडक्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एनालिसिस फॉर द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आपका रहेगा सबसे पहले इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग, आफ्टर दैट फाइनेंशियल मॉडलिंग, देन आपका आएगा कॉस्ट एस्टिमेशन थर्ड पॉइंट पे, और लास्ट में आएगा रिस्क मैनेजमेंट। सो आपका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 3, दो स्टेटमेंट्स हैं, ओके, FRC इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन फॉर इट्स एनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी एंड क्रैक रेजिस्टेंस। ये करेक्ट है आपका, फाइबर्स इन FRC एक्ट एज एन एनफोर्समेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रेस रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ क्रैकिंग। ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, बट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट, टिपिकली अ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जिसकी 60 PSI से ज़्यादा होगी, पहला करेक्ट है आपका। एंड इस ब्रिज हाई रिस्क बिल्डिंग में, ये गलत है आपका। HSC रिक्वायर्ड स्पेशल क्यूरिंग टेक्निक टू अचीव द डिजायर्ड स्ट्रेंथ, ये भी गलत है। इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन द स्टैंडर्ड कॉन्क्रीटिंग मिक्स, ये करेक्ट है। 1 and 4 करेक्ट नहीं, एक सेकंड कुछ तो गड़बड़ कर दी, नहीं ये तो गलत होगा आपका, 4th गलत है, सही क्या हो गया, ओके यहाँ पर आपका, एक सेकंड, यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट और फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। ठीक है, ये यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन इन हाई ब्रिजेस एंड हाई राइज बिल्डिंग के अंदर, ये करेक्ट था आपका, सॉरी मैं गलत बोल गया इसको। ठीक है, तो 1 and 2 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आस्पेक्ट ऑफ कॉस्टिंग कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस विद द डिजायर्ड क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सो 5th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा रिसोर्स एलोकेशन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन हमारे मेथड्स हैं एंड प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको आपको मैच करना है 6th क्वेश्चन के अंदर। तो फेरोसीमेंट आपका जो रहेगा वो रहेगा मैश एंड मोर्टार, एंड RCC इज स्टील रिइंफोर्समेंट, मैसनरी कंस्ट्रक्शन आपका जो रहेगा वो रहेगा वुड एंड बीम पॉट के साथ में, एक सेकंड ठीक है, एंड टिम्बर फ्रेमिंग ब्रिक एंड स्टोन यूज़ेस। क्या मैं सही हूँ? आई थिंक आई एम राइट, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच फैक्टर इज अ क्रूशियल फॉर सेलेक्टिंग अर्थवर्क मशीनरी टू इंश्योर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। सो दिस मेथड इज अ फ्यूल एफिशिएंसी, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द लाइम एंड इट्स यूज इन कंस्ट्रक्शन। तो लाइम इज ऑफन यूज इन बाइंडिंग मटीरियल इन मोर्टार एंड प्लास्टर ड्यू टू द एक्सलेंट एडहेसिव प्रॉपर्टी, ये करेक्ट है। क्विक लाइम इज ऑल्सो नोन एज अ कैल्शियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस बाई हीटिंग लाइमस्टोन इन अ क्लिन, ये भी करेक्ट है। हाइड्रेटेड लाइम इज ऑल्सो नोन एज अ स्लेक लाइम एंड प्रोड्यूस बाई एडिंग वाटर टू द क्विक लाइम, ये भी करेक्ट है। लाइम एग्जिबिट हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेकिंग इट सुटेबल फॉर लोड बियरिंग, लोड बियरिंग में तो नहीं होता है, ये गलत है। 1, 2, 3 करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन ए होगा यहाँ पर 8th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टाइप ऑफ फ्लोरिंग्स. ओके, सो टाइप ऑफ फ्लोरिंग्स में हम बात करें, कारपेट फ्लोरिंग इज ईजी टू क्लीन एंड सुइटेबल फॉर हाई ट्रैफिक एरिया. ये करेक्ट है. एंड साथ साथ यहाँ पर आपका रहेगा, बैम्बू फ्लोरिंग इज मॉइस्चर रेजिस्टेंस बट प्रोन टू स्क्रैचिंग. ये करेक्ट है आपका, 2-3 ऑप्शन ए. ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10. When using the program evaluation and review technique PERT, what is the significance of optimization, pessimistic and a most likely time estimate for the project task? So, यहाँ पर आपका आंसर होगा, that is they are used to calculate the expected time for each project activity. Option B correct answer रहेगा. Question number 11. Consider the complexities of a modern project management. Which financial metrics plays a crucial role in evaluating project probability and sustainability over time, taking into account factors such as cash flow and discount rate and time value of money. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12. विच टाइप ऑफ पॉइंटिंग टेक्निक इन्वॉल्व्स फिलिंग मोर्टार जॉइंट फ्लश विच विद द सरफेस ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स. 12th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फ्लश पॉइंटिंग. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. 13 नंबर क्वेश्चन है, अ मैन फिलिंग फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट इतना स्टार्ट रोटेटिंग मिड वे थ्रू हिज फॉल. द वर्टिकल वेलोसिटी विद विच ही फॉल्स थ्रू ही टचेज द ग्राउंड इज. ये क्या होगी, ये वर्टिकल वेलोसिटी होगी लेस देन अंडर रूट 2gh. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 14. जीरो वर्क डन बाय अ सिस्टम ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इंप्लाइज दैट. सो इट इंप्लाइज दैट द बॉडी डज नॉट हैव एनी मोशन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन अ बॉडी एक्ट्स अपॉन बाय अ फोर्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज इक्वल एंड अपोजिट टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इन इट्स बॉडी इज एट रेस्ट एंड मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16. गिवन दैट देर इज अ रेक्टेंगल एंड अ ट्राइंगल ईच ऑफ बेस बी एंड एरिया ए, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर बेस रेक्टेंगल अबाउट द बेस इज लेस देन द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ अ ट्राइंगल अबाउट एन बेस बी. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्राइंगुलर सेक्शन ऑफ अ बेस बी एंड हाइट एच अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वर्टेक्स एंड पैरेलल एट द बेस टू द बेस इज 9 टाइम्स टू दैट ऑफ पासिंग थ्रू द सीजी ऑफ द पैरेलल ऑफ द बेस. सीजी दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18. In simply supported beam carrying a load whose intensity varies uniformly from 0 to 1 end with a W per unit run, at the other end the maximum bending moment is equal to, it is equals to WL square 9 upon under root 3. Option number D is the question ka correct answer hoga, question number 18. Question number 19. The relationship between E, modulus of elasticity and modulus of rigidity is given by where M, 1 by M is a Poisson's ratio. तो ये relation क्या है? Question number 19 का correct answer होगा यहाँ पर option number B. Option B is the correct answer question number 19. Next question है question number 20. So a square section with a side x of a beam is subjected to have a shear force S. The magnitude of shear stress at the top edge of the square is. So, ये कितना होगा? ये होगा 0. Option number D होगा यहाँ पर question का correct answer. Next question है question number 21. A cantilever AB of length 1 meter carries a distributed load where intensity varies uniformly from 0 at the end, fixed end, with W per unit
run at the free end. The deflection at the free end is given by. So यहाँ पर diffraction at the free end बताना है. ये है आपका 11/120 W L 4 upon E I. Option number D is the correct answer. Question number 22. If the load passes through the shear center of the section of the beam, then there will be only bending in the beam. ठीक है, option number B is the correct answer. Question number 22. Question number 23 की बात करें तो यहाँ पर आपसे रहेगा 3-inch arch is statically determined and 2-inch arch are statically indeterminate in first degree and hinge less arch are statically indeterminate in the 3 degree. तो 3-2-1, 3-2-1, that is option number B होगा यहाँ पर 23 number question का correct answer. Now coming to the question number 24. Consider the following statement in respect to the arch to construction made of voicerer. So यहाँ पर second statement जो है वो correct है and third correct है. First and last गलत है. That is option D होगा correct answer. Question number 24, option D is the correct answer. Question number 25. Influence line for any stress function are used for obtaining maximum value because of the single point load, uniform live load and multiple point loads. Option C is the correct answer रहेगा यहाँ पर question का. 26 की बात करें तो water reducing mixture जो है वो कौन है, 3 के साथ जाएगा, lignosulfonate, ठीक है, and air entraining agent आपका neutralized vinosyl resin है and super plasticizer ये आपका कौन है, sulfonated melamine formaldehyde और accelerator है calcium chloride. That is option C हो जाएगा यहाँ पर question का correct answer. Question number 26. Now coming to the question number 27. दो statements हैं आपको बतानी है क्या correct है यहाँ पर. तो पहली statement 27 number question. There is no practical method of concreting mixed design based on the specific surface area of aggregate. ये तो correct है. Surface area of aggregate plays a vital role in achieving the right mixed design for desired strength. ये भी correct है. दोनों correct हैं but explanation में यहाँ पर appropriation नहीं है, जिसकी वजह से option B correct answer यहाँ रहेगा. According to IS 456-2000, the minimum grade of concrete with a maximum free water cement ratio 0.5 and maximum cement content is 300 kg per meter cube is. 28 के यहाँ पर क्या रहेगा करेक्ट आंसर, M25. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 का. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 29. द अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन बोथ एंड्स ऑफ वर्टिकल स्ट्रब ऑन अ बीम शुड बी बेंट एट एन एंगल ऑफ. It should be bent at an angle of 135 degree. Option C is the correct answer. The rectangular beam जिसकी width आपको 200 meter दी गई है, 200 mm दी गई है, depth 300 mm है, subject to the shear force of इतना, maximum shear stress produced at the beam वो कितना होगा, ये होगा आपका 5 newton per mm square. C is the correct answer. Question number 3. Next question है question number 31. The function of reinforcement in pre-stress concrete is to. It is to provide initial compressive stress in a concrete in a tension zone. Option D is the correct answer. Question number 31. Now coming to the question number 32. The minimum strength of concrete or transfer to avoid cracking of extreme fibers at a pre-stress concrete beam with a reference to the limit of serviceability, maximum compression in flexible flexure should be. It should be 0.5 FCK. Option B is the correct answer. According to IS 800, nominal shear capacity of M20 bolt of grade itna with one shear plane passing through the bolt shank and one shear plane passing through one thread portion is. So yahan par answer aapko milega. That is option number D. 129.14 kilonewton. Option number D is the correct answer रहेगा यहाँ पर. 133 number question. 33 number question. 34 number question पे आते हैं. Two flats, एक size ये है, एक size ये है, are welded by the V butt weld if permissible stress is इतना, strength of the weld कितनी होगी.
स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको निकल के आएगी 187.44 किलो न्यूटन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. अ फ्लैट ऑफ साइज इतना इज यूज एज अ टेंशन मेंबर इन अ रूफ. इट इज कनेक्टेड टू अ गसेट प्लेट बाय अ चेन बोल्टिंग. अज्यूमिंग यील्ड स्ट्रेस इतना है एंड डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू द यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको कितना मिलेगा. ये मिलेगा 363.6 किलो न्यूटन. ऑप्शन डी यहां पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन है. सो द मैक्सिमम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो फॉर अ टेंशन मेंबर इन विच रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस अकर्स ड्यू टू द लोड अदर देन द विंड एंड सिस्मिक फोर्स. सो 36 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 180. ऑप्शन नंबर सी इज अ सॉरी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 37 द शेयर लैग इफेक्ट इन अ बीम फ्लेंजेस इज डिसरिगार्डेड व्हेन द विड्थ ऑफ अ फ्लेंज विद आउटसाइड आउटस्टैंड सपोर्ट अलोंग वन एज इज लेस देन और इक्वल्स टू इट विल बी द एल नॉट बाई 20. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड फॉर अ मैक्सिमम हार्डनेस इन ड्रिंकिंग वाटर फॉर द पब्लिक हेल्थ सर्विस स्टैंडर्ड 500 mg पर लीटर. दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 38. नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 39 द सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्ट एस्टैब्लिश इन द ईयर. सो इट इज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1974. Pathogens are native of aquatic system? No. They required animal host for growth and reproduction. ये करेक्ट है आपका, रीजन करेक्ट है. ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 41. इन द कैटाबॉलिक प्रोसेस ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज द मोस्ट एफिशिएंट बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. सो यहाँ पर आपका दे रिलीज ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी. सिर्फ स्टेटमेंट वन करेक्ट रहेगा. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 41 का. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 42. सो मैच ऑफ द फॉलोइंग है 42 के अंदर. आयरन कास्ट पाइप, कास्ट आयरन पाइप बेसिकली लाइटनिंग सेक्शन में रहेगा आपका. रॉट आयरन एंड स्टील पाइप आपका रहेगा यहाँ पर ड्यूरेबल एंड हैवियर. ह्यूम स्टील पाइप आपका रहेगा सीमेंट मोर्टार कोटिंग में. कॉन्क्रीट पाइप रहेगा लाइफ स्पैन अप टू 100 ईयर्स में. तो ये आपका चला जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 43. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंजेस विद द टाइम फॉर डिस्क्रीट पार्टिसिपेशन इन द सेटलिंग प्रोसेस. सो 43 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा शेप साइज एंड ग्रेविटी तीनों रहेंगे. तो दैट इज क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 44. सो 44 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो फ्लक्चुएशन प्रोसेस रिलाइज ऑन द टर्बुलेंस टू प्रमोट कोलिजन. ये करेक्ट है आपका. वेलोसिटी ग्रेडियंट आर द कन्वीनियंट वे ऑफ मेजरिंग टर्बुलेंस. ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है. दैट इज ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है, coming to the question number 45, which of the following is following processes are used to soften water with a high magnesium process, sorry high magnesium hardness. So यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप use करेंगे split treatment method. Option C यहाँ पर होगा question का correct answer. Question number 45. Next question है question number 46. In the chlorination process at low concentration, chlorine probably kills microorganism by penetrating the cells and reacting with the enzymes and protoplasm. At a higher concentration, oxidation of cells walls will destroy the organism. The process is affected by which of the following factors? So, यहाँ पर type of organism, contact time, concentration, form of chlorine, ये चारों चीजें involve रहेंगी. तो question का correct answer होगा all of the above, option number D. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फैक्टर टू बी कंसीडर्ड इन द डिजाइन ऑफ सीवर. सो सिलेक्शन ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वेलोसिटीज, एस्टिमेशन ऑफ
वेस्ट वाटर डिजाइन रेट फ्लो ये रहेगा, अमाउंट ऑफ लीकेज नहीं, 1-2 दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 47। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडियम यूज्ड इन ट्रिकलिंग फिल्टर्स। 48 की हम बात करें तो यहाँ पर आपका रहेगा स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, ठीक है, एंड पोरोसिटी, टेम्परेचर नहीं होगा यहाँ पर, 1 and 3 दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको मैच करना है, करेक्टली मैच आपको बताना है कौन कौन से प्लेयर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 प्लेयर्स आर मैच्ड करेक्टली। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सुटेबल फॉर अल्टीमेट डिस्पोजल ऑफ वाटर वेस्ट वाटर स्लज। तो इंसरनेशन, सैनिटरी लैंडफिल, सॉइल कंडीशनर, दैट इज तीनों हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो नॉन कंडक्टर्स आर एनालॉगस टू फिक्स्ड बाउंड्रीज, ये करेक्ट है आपका, इलेक्ट्रिकल करेंट आर एनालॉगस टू वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर, बोथ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है करेक्टली मैच्ड आपको बताना है, ओके, स्पीड दी गई है, स्पेसिफिक स्पीड्स एंड टर्बाइंस के बारे में यहाँ पर बात कही गई है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ओनली 2 आर द मैच्ड, द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 53 में आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों करेक्ट हैं और एक्सप्लेनेशन भी है प्रॉपरली, ठीक है। नेक्स्ट आपका जा रहा है क्वेश्चन नंबर 54, स्टोन वेट जिसका 400 न्यूटन का है एयर में, 200 न्यूटन है वाटर में, वॉल्यूम ऑफ स्टोन कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ स्टोन यहां पर आपको मिलेगा 0.02 मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन है, When a fluid jet strikes a stationary semicircular vein at a center, the force exerted on the vein in the direction of flow of the jet is, so 55 का यहाँ पर correct answer होगा, twice that exerted on the flat plate, that is option number A is the correct answer यहाँ पर रहेगा। Next question है question number 56, a hydraulic pressure has a ram 200 mm in a diameter and a plugger 20 mm in diameter, then the force required on the plugger to raise the load itna, to force jo hai yahan par lagega wo lagega aapka 250 newton ka, option b is the correct answer rahega, theek hai, option b। next question hai hamara question number 57, so yahan par aapko batana hai kaun kaun kitne pairs aapke matched hain, to yahan par bhi aapke do pairs hi match hain keval, option number b is the correct answer rahega। Now coming to the question number 58, a native slip may occur in a reciprocating pump, ये तो correct है, actual discharge is more than the theoretical discharge when suction valves remains open during the velocity stroke of the piston, ये भी correct है, दोनों correct है, explanation भी okay है, option number A correct answer यहाँ पर रहेगा। Frictional velocity is given by the expression, सो ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 59 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 60, इफ द मॉडल प्रोटोटाइप रेशियो इज 1:75, द रेशियो ऑफ डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ ऑफ द स्पिलवे इज गिवन बाय, सो इट इज गिवन बाय द 1/75 3/2, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है, तो नॉचेस एंड डिस्चार्ज के बारे में है, मैच करना है आपको 61 में, तो रेक्टेंगुलर के लिए ऑप्शन 1 रहेगा, ट्रायंगुलर के लिए ये रहेगा, और इसके लिए ये रहेगा, 1, 2, 3 है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 61। नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 62, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन फॉर अ ट्रेपेजॉइडल चैनल। तो 62 की हम बात करें तो ये होगा आपका that is sides are at 60 degree with the horizontal, ये correct है,
द वेटेड पैरामीटर इज थ्राइस द बेड विड्थ, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. हाइड्रोलिक जंप इज ऑल्सो कॉल्ड एज, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्टैंडिंग वेव्स, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 का. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 64, डार्सी लॉ ऑफ परमेबिलिटी इज वैलिड ओनली फॉर लैमिनार फ्लो कंडीशन, ये करेक्ट है आपका. डार्सी लॉ इन नो वे डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ फ्लो विद इन द इंडिविजुअल पोर्स, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 65, कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन द पोरोसिटी एन एंड वॉइड रेशियो ई, तो ये रिलेशन आपका है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा. ठीक है, 66 की बात कर, एक मिनट देखो, अच्छा दो रिलेशन की बात कर रहा है ना, ओके एक सेकंड, तो 65 में दो पूछा गया है, तो एक तो ये रिलेशन मिल गया, दूसरा ये मिल गया, दो तीन, दैट इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. सिक्सटी सिक्स में मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ये पार्टिकल सैंड के हैं और ये पार्टिकल है क्ले का साइज और ये क्ले का सेल्ट एंड साइज दिया हुआ 1, 2, 3, ऑप्शन ए. द वॉल्यूम इंक्रीजेस दैट मे अकर इन सॉइल ड्यूरिंग शीयर इज कॉल्ड एज, सो 67 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डायलिटेन सी, दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, सो रैंकाइन अज्यूम्स दैट वर्टिकल स्ट्रेस ऑन द एलिमेंट ऑफ अ सॉइल विद इन द इंक्लाइंड बैक फिल एंड लेटरल स्ट्रेस ऑन द वर्टिकल प्लेन ऑफ द एलिमेंट आर कॉन्जुगेट स्ट्रेस, ये करेक्ट है. लेटरल स्ट्रेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड बैक फिल, नहीं ये गलत है, तो ओनली ए है, दैट इज ऑप्शन, सॉरी ओनली वन है, दैट इज ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टरगाजीज कंसोलिडेशन थ्योरी, तो स्पेसिमेंस इज फुली सैचुरेटेड है यहाँ पर, वाटर एंड सॉलिड कंपोनेंट आर इनकम्प्रेसिबल है, डार्सी लॉ स्ट्रिक्टली अप्लाइड है, तीनों चीजें करेक्ट हैं, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. अ शीट पाइल पर्टेनिंग वॉल ऑफ द वाटर फ्रंट बैकअप बाय द ग्राउंड इज, सो दिस इज बाय द बल्क हेड, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 70. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71, द ग्रॉस प्रेशर एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन एट विच द सॉइल फॉल्स इन शीयर इज, 71 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 72, द ग्रेट ऑब्जेक्शन ऑफ एनी पाइल की ड्राइविंग फॉर्मूला इन अ अनसर्टेनिटी about the relation between the dynamics static resistance of soil, first statement yahan par 72 mein correct hai, second hai dynamic formula do not indicate probable future settlement or in temporary change in the soil structure, dono correct hai, that means option c hoga question ka correct answer question number 72. now coming to the question number 73, classify the soil based on the data, okay kis type ki soil hai, तो यहाँ पर 73 का करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 74, द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन इज, सो दिस इज द ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 74 का. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 75, कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, और आपको बताना है मेन इंडेक्स प्रॉपर्टी में रॉक की कौन कौन सी है, तो सोनिक वेलोसिटी, पॉइंट लोड इंडेक्स, पोरोसिटी, स्लेकिंग, चारों चीजें रहेंगी, दैट इज ऑप्शन ए यहां पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1, 2, 3, 4. सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, इफ द एवरेज एनुअल रेनफॉल एंड इवेपोरेशन ओवर लैंड मास ओशन ऑफ द अर्थ आर कंसिडर्ड, इट वुड बी फाउंड दैट ओवर अबाउट 9% ऑफ वाटर more water evaporate from the ocean then falls back to them as a precipitation, option b yahan par hoga 76 ka correct answer. 77 number question hai, a hydrograph is a plot between which of the following parameters, to 77 ki hum baat kare to yahan par aapka rahega rainfall and time ka, rainfall intensity and time, that is option a yahan par aapka correct ho jayega answer question number 77.
Now coming to the question number 78. So 78 में double mass curve technique is adopted by which of the following? So this is adopted by the check the inconsistency of rain gauge records. एक मिनट, हाँ यही होगा सर, पहला एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर. इक्वेशंस एंड ईयर्स, किस साल में कौन सी इक्वेशन आती है यहाँ पर? तो देखिए हॉन्टन इक्वेशन आपकी मिलेगी 1933 के अंदर, फिलिप्स इक्वेशन 1957 में, एंड ग्रीन एम्प इक्वेशन जो है ये आपको 11 में मिलेगी. तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट आंसर रहेगा. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 80. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हाइड्रोग्राफ. तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं, ऑल द थ्री आर करेक्ट, दैट मीन्स ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन. सो द इफेक्ट ऑफ फ्लड वेव्स एंटरिंग A reservoir is suited for studied in reservoir routing. That is option one. Statement one to correct hai aapki. Statement two kya hai? The flood routing is to determine the flood hydrograph at a section of the river by utilizing the data of flood flow at one or more upstream section. Ye bhi correct hai aapki. Dono statements correct hai. Option C correct answer hoga yahan par. Both the statements are correct. Next question hai question number 82. टाइप ऑफ सॉइल्स एंड फॉर्मेशन दी गई है आपको, बताने कितने करेक्ट है. 82 में ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, दो स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है, दो मैच आपकी बेसिकली करेक्ट है. 83 की बात करें तो यहाँ पर आपका फंक्शन ऑफ इरिगेशन वाटर इन अ क्रॉप प्रोडक्शन आपको दिया गया है. ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 की बात कर लेते हैं. 84 में जो है एक्वाडक्ट इज प्रिफर्ड व्हेन द ड्रेनेज इज ऑफ लार्ज कैपेसिटी एंड कैरीज अ हैवी सिल्ट बेड लोड. ये तो करेक्ट है, लार्जर हेडवे इज रिक्वायर्ड बिटवीन द कैनाल बेड लेवल एंड एचएफ लेवल इन ड्रेन. तो ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है बट एक्सप्लेन नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 84. नाउ कमिंग टू द, फटाफट हम बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ. तो यहाँ पर आपका कौन कौन से मैच अदर नेम्स पूछा गया है. सो यहाँ पर चारों करेक्ट है. शूट स्पिलवे को थ्रो स्पिलवे कहते हैं, इमरजेंसी स्पिलवे को ऑक्सिलरी कहते हैं, ओवरफ्लो को ओगी कहते हैं, साइड स्पिलवे को लेटरल फ्लो कहते हैं, चारों करेक्ट है. ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 85. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 86. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ रॉक फिल डैम. रॉक फिल डैम का डिसएडवांटेज क्या है? हाई मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, मोर टाइम टू रिक्वायर फॉर कंस्ट्रक्शन, इकोनॉमिकल फॉर रिमोट लोकेशन. ये तो नहीं है, 1-2 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 87 में आपसे पूछा है परमानेंट withdrawal of groundwater from the storage is known as the mining, that is the correct hai. It cannot to deplete the resource like the exploration of mineral resources. Ye correct hai. Dono explain bhi okay kar rahe hain. Option A yahan par rahega. Question number 87 ka correct answer. Next question hai question number 88 number question hai hamara. So which factor plays a critical role in geometrical design of highway, particularly in determining the हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एंड सेफ डिजाइन स्पीड. ठीक है, 88 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा टेरेन एंड द टोपोग्राफिकल फीचर्स. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89. तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा 89 का ऑप्शन नंबर ए. स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं एंड एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रॉपरली. ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 90. इन अ ट्रैफिक इंजीनियरिंग विच स्टेटमेंट इज एक्यूरेटली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रैफिक सर्वे एंड ट्रैफिक प्लानिंग. सो ये रहेगा आपका ट्रैफिक सर्वे कलेक्ट डाटा ऑन ट्रैफिक वॉल्यूम एंड स्पीड प्रोवाइडिंग इनपुट्स फॉर ट्रैफिक प्लानिंग टू ऑप्टिमाइज रोड नेटवर्क एंड द सिग्नल टाइमिंग. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 90. क्वेश्चन नंबर 91. इन रोड कंस्ट्रक्शन व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ वाटर बाउंड WBM एज अ बेस मटीरियल टू इम्प्रूव.
to improve load bearing capacity and distribute traffic load. ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92. मैच करना है आपको. तो रटिंग जो होता है वो होता है पुअर ड्रेनेज एंड मॉइस्चर इंस्ट्रक्शन. क्रैकिंग इनएडिक्वेट कॉम्पैक्शन है. ब्लीडिंग होगा आपका एक्सेसिव ट्रैफिक लोडिंग से. रिवीलिंग होगी इनसफिशियंट एसफॉल्ट बाइंडिंग कंटेंट से. दैट इज ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 92. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 93. तो 93 एडमिट द लैबिरिंथ क्लासिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड गवर्नमेंट सॉरी गवर्निंग रोड डिजाइन ज्योमेट्रिक डिजाइन वेयर नॉसेंस इंटरवीन विद रेगुलेशन स्टैंडर्ड इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज विच असर्शन रिनोट्स विद द मल्टी फैक्टेड लैंडस्केप फॉर ट्रांसपोर्टिंग टेक्नोलॉजी. सो 93 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा रोड ज्योमेट्रिकल डिजाइन स्टैंडर्ड इवॉल्व्स द रिस्पॉन्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड सेफ्टी इम्प्रूवेटिव्स. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 94. इन ट्रैफिक इंजीनियरिंग द स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रैफिक सर्वे एंड द ट्रैफिक प्लानिंग. ये आपका रहेगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर. यहाँ पर रहेगा ट्रैफिक सर्वे कलेक्शन डाटा ऑन ट्रैफिक वॉल्यूम स्पीड प्रोवाइडिंग इनपुट्स फॉर ट्रैफिक प्लानिंग टू ऑप्टिमाइज रोड नेटवर्क एंड सिग्नल टाइमिंग. दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 94. क्वेश्चन नंबर 95 अरेंज करना है इनको आपको क्रोनोलॉजी पर. तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आएगा आपका सेकेंड स्टेटमेंट पहले आएगा, फिर होगा आपका थर्ड. अरे सॉरी इसको दोबारा करते हैं. ये होगा फर्स्ट पे, सेकंड पर ये स्टेटमेंट रहेगी, थर्ड पे ये स्टेटमेंट रहेगी, फोर्थ पर ये स्टेटमेंट रहेगी, लास्ट में आएगी ये स्टेटमेंट. तो आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 96. एडमिस्ट द लैबिरिंथ ऑफ मटीरियल स्टैंडर्ड गवर्निंग बिटुमिनस रोड. Which specification stands out as a crucial determinant of pavement performance and balancing resistance to deformation and fatigue under varying traffic loads? So 96 का correct answer होगा यहाँ पर option number A, optimum asphalt content and the gradation of aggregate. Which type of rail is commonly used in a high-speed rail track due to its ability to withstand higher stresses? ये है आपका flat bottom rail. option B is the correct answer रहेगा. question number 97. in the pile foundation of our bridges, which factor is a crucial in determining the type and length of a pile to be used? तो ये factor है आपका soil condition. option number C is the correct answer. among the myriad surveying methodology, which time honored technique the tactical feel of chain tape for distance and directional power of compass remains a cornerstone for surveyor navigating through topographical intricacies? 99 ka correct answer hoga yahan par leveling. option number A is the correct answer rahega yahan par. last question hai is paper ka, question number 100. अरेंज द फॉलोइंग सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट इन ऑर्डर टू इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटीज. तो यहाँ पर सबसे इंक्रीज करनी है हमें कॉम्प्लेक्सिटीज को, है ना. सबसे पहले आएगा लेवलिंग, देन चेनिंग, चेनिंग के बाद आएगी टोटल स्टेशन थर्ड पे, लास्ट में आएगा थियोडोलाइट. ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर. ठीक है. सो दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ JK पब्लिक सर्विस कमीशन 2024 में ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया है फॉर द लेक्चरर कैटेगरी 1 सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड का पेपर था ये. ठीक है. एंड ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है 15th of September 2024 को. ठीक है. इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.